बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी बात जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, पिछले 10 सालों में हम ये हो रहा था कि मुल्क में रेंट सीकिंग हो रहा था, मतलब ये कि जो भी फालतू पैसा था वो सरमायाकार बैंकों में रख रहे थे और उससे जो है सूद खा रहे थे या प्रॉफिट खा रहे थे, या हम देख रहे थे कि वो एक बड़ा ही इनएफिशिएंट एसेट था रियल एस्टेट, उसमें जो है ये पैसा जा रहा था सारा, जितना भी सरमाया हमारा बन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 ख़ास तौर पे जून के बाद हमने ये देखा कि ट्रेंड, हालांकि रियल एस्टेट की एमनेस्टी भी आई है, लोग उसके बावजूद अब जो है प्लॉटों से और रियल एस्टेट से जो है पैसा वापस निकाल रहे हैं और उसको सरमाए को जो है कारोबार या स्टॉक मार्केट जिससे जो है रोज़ाना का कारोबार हो रहा है उसमें डाल रहे हैं, और ये नहायत ही खुशाइन बात है। आज के दिन 55 अरब रुपए का वॉल्यूम हुआ है और कल जो है 49 अरब का हुआ था, इसी तरह से 30 अरब रुपए का तो नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम हो रहा है पिछले कई दिनों से। तो ये पाकिस्तान में जो है पिछले 10 साल के बाद हमने देखा स्टॉक मार्केट में हो रहा है, बिज़नेस के वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं और बिज़नेस एक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो ये चीज़ जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मुल्क में अगर सरमायाकारी इसी तरीके से बढ़ती रही, क्योंकि किसी भी मुल्क की सरमायाकारी की सबसे अहम चीज़ ये होती है कि पहले मकामी लोग इन्वेस्ट करते हैं और मकामी लोग इसमें इस वक्त भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और बगैर हिचकिचाट के ले रहे हैं, हालांकि सियासी गैर इस्तेकाम भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बैरूनी सब भी आएगी, फॉरेनर भी आएगा, और जैसे मैंने कहा था कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है बहुत जल्दी अपना हाई तोड़ देगी जो 50-51 हज़ार इंडेक्स का PMLN की हुकूमत में था। बहुत बहुत शुक्रिया।